यार दिल्ली आके अजीब लगता है ऑनेस्टली बताऊं तो. अब ना दिल्ली अलग हो गया है. मैं अभी किसी से बोल रहा था, मैंने कहा वो ना वैसा है कि एक गर्लफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड ना एक्स वाला एक रिलेशन बन गया है कि यार मिस भी करते हैं जब वहाँ पे होते हैं, पर आते ना तो लगता है यार अच्छा हुआ है रिलेशन टूटा था. जो है आगे बढ़ गए. बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम लोगों को ना इमरान आइडियल लग रहा है. इट शुड बी द बेसिक मिनिंग. ये तो होना ही चाहिए. वो आदमी क्या कह रहा है, वो आदमी ये कह रहा है कि भाई प्रूफ नहीं है तुम अच्छा. कि एक आदमी सिर्फ ये बोल रहा है कि यार जो सच है ना हम वो बोलेंगे. आदमी कह रहा है कितना कमाल आदमी है यार, आइडियल है भाई. नहीं ये काम है, ये बेसिक मिनिमम होना चाहिए. एक तो यार रबिश बात है, ठीक है. ये जो है ना पूरा बॉयकॉट का बात क्या है, आपको ना विलन्स दिए जा रहे हैं. इससे हमें सीखना क्या चाहिए कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में, क्योंकि नहीं जानता तो नहीं बोलूंगा. कि समझ में ये आता है कि यार देखो आपने एक डेविल खड़ा किया था, वही वो डेविल जो है वो आज की डेट में आपको भी खाने आ रहा है. कोई एकाध दो हैं जो अरे सर रईस, अरे सर रांझणा, अरे सर तनुवर्ज मनु रिटर्न्स, जो भी अपने सबके फेवरेट्स हैं. स्कूप 95% 98% बात जो है वो स्कूप. अब वही वाली बात है कि मुझे क्यों ज़बरदस्ती पुश किया जाए ये चूज़ करने पे कि ए आर रहमान या हिमेश रेशमिया. नहीं दोनों मैं क्यों नहीं सुन सकता. दो बिल्लियाँ हैं हमारे पास, एक काली एक सफ़ेद. क्या नाम है? काली वाले का नाम है हुरैरा, जो अरबी में बिल्ली जिसका मतलब होता है. तो हमने वैसी वाली हरकत करी है कि बेटी का नाम डॉटर रख दिया. नमस्कार, न्यूज़क्लिक में आपका स्वागत है. ये है हमारा शो एनसी हैंगआउट. एनसी हैंगआउट में हम हर हफ्ते आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कई फिल्म मेकर से, एक्टर से, म्यूजिशियन से. और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ आज मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब मौजूद हैं. ज़ीशान भाई को किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है. आप इनको फिल्मों में देख रहे हैं, वेब सीरीज़ में देख रहे हैं. जो दिल्ली के लोग हैं उन्होंने थिएटर किया है इनके साथ, जो मुंबई के लोग हैं वो थिएटर भी करते हैं, फिल्में भी की हैं, और जो इन दोनों ही फील्ड्स के नहीं हैं वो प्रोटेस्ट साइट्स पर देखते हैं ज़ीशान भाई को, सोशल मीडिया पर देखते हैं. जो लोकतंत्र के हक में जो बात करने की बात हो, या कट्टरपंथ के खिलाफ बोलने की बात हो, या लोकतंत्र पर जो हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ बोलने की अगर बात हो, तो ज़ीशान भाई के साथ हम लोग आज कर रहे हैं हैंगआउट. बहुत शुक्रिया आपका, बहुत स्वागत है न्यूज़ क्लिक में. थैंक यू सत्या, आपने बुलाया मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद. कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ यार. दिल्ली कैसा है, कैसा लगता है दिल्ली आके? यार दिल्ली आके अजीब लगता है ऑनेस्टली बताऊँ तो. अब ना दिल्ली अलग हो गया है. तो मैं अभी किसी से बोल रहा था, मैंने कहा वो ना वैसा है कि एक गर्लफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड ना एक्स वाला एक रिलेशन बन गया है कि यार मिस भी करते हैं जब वहाँ पे होते हैं, पर आते ना तो लगता है यार अच्छा हुआ है रिलेशन टूटा था. जो है आगे बढ़ गए. तो एक वैसा वाला एक फील है. तो मैं आता हूँ तो अब तो मेरे बॉम्बे के दोस्त जो है वाला मजाक भी उड़ाने लगे. वो कह रहे हैं अरे कुछ नहीं, चार दिन बाद आप बोलोगे यार हो गया मेरा दिल्ली का, चलो चलो वापस चलते हैं. तो वैसा है, बट हाँ मतलब खाना खास तौर पे और दोस्त और रिश्तेदार ये है जिसकी वजह से आता. क्या चेंज हुआ है अगर हम वहीं से उठा लें तो, एनएसडी के दिनों से लेकर और अब के दिनों में, केएमसी के दिनों में क्या फर्क? यार बड़ा ना एक वाइब का एक सोशल तौर पे मैं बोलूँगा वो ज़्यादा फर्क है. तो यार बहुत ज़्यादा अग्रेशन बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा. मतलब इतना ना हमारे टाइम पे भी होता था. ऐसा नहीं है कि रोड रेज नहीं था आज से 13-14 साल पहले. रोड रेज था, लड़ाइयाँ होती थी. पर मैं अभी परसों मेरी अपने एक रिलेटिव से बात हो रही थी, मैंने उसको बोला, मैंने कहा वो बोला यार पहले भी तो होता था. मैंने कहा यार पहले अरे रोड रेज बहुत बढ़ गया. इस बात पे किसी ने अपने गाड़ी की डिक्की में से बेसबॉल का बैट निकाल के किसी को मार दिया. ये मैक्सिमम एक बड़ी खबर के यार पता है वहाँ 2 महीने पहले ना वहाँ पे एक बहुत बड़ा ऐसा यार बताओ आदमी क्या कर रहा है. आज की डेट में आप सीधे सुनते हो गोली मार दी, चोरे से मार दिया. अभी एक लड़के का मुझे पता चला यार बॉम्बे का ही है, वो आया पता लक्ष्मी नगर में कुछ गाड़ी के आगे पीछे आने जाने पे कोई उनकी बहसबाजी हुई. कास्टिंग डायरेक्टर है आई थिंक बॉम्बे में, मैं नाम नहीं जानता. उसको यार उतना मारा है वो बेचारा, शायद एम्स में ट्रॉमा सेंटर में एडमिट है. 6 लोगों ने शराब पिए हुए थे उन्होंने मारा. तो आई थिंक ये है मोटे तौर पर लोग जो हैं बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में यहाँ पर भी आ गए हैं. मतलब एक जो बॉम्बे और दिल्ली का एक फ़र्क था ना, जिस वजह से दिल्ली ज़्यादा पसंद आता था कि दिल्ली में एक ठहराव था, आराम से बैठने का वक्त था लोगों के पास, आराम से बैठ के बात करने का. अभी सब लोग बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं यहाँ पे भी. तो आई थिंक वो उसके रीजंस मुझे नहीं पता एग्जैक्टली. और खाने की हर जगह इतनी फेमस हो गई है कि अब सुकून से नहीं बैठ के खा पाते अब. तो आप भी तो फेमस हो गए ना. हाँ वही जो भी है. पर तो ये सब मिला मिलू के ना एनर्जी थोड़ी वैसी है, तो अच्छा लगता है, आती वार्मथ मिलती है, पर उसके बाद
होता है कि भाई अभी ना चलो अब निकलो थोड़े दिन ना रेस्ट करके फिर वापस आएंगे खाना खाने, अभी नहीं हो पाएगा। स्कूप का जो इमरान है, मतलब जिसको मैं तो देखकर मैंने यही समझा कि आदर्श एडिटर अगर होना चाहिए तो वो इमरान का जो करेक्टर है वो है, उसको करते हुए जो मौजूदा इंडियन जर्नलिज्म है उसके बारे में क्या ऑब्जर्व किया आपने, उसको करते हुए भी और वैसे भी क्या देख पा रहे हैं कि अब जो भारत की जो पत्रकारिता है वो कर क्या रही है? यार देखिए दो बातें, क्योंकि आपके सवाल के भी दो हिस्से थे, तो पहला तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मेरा साफ मानना है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम लोगों को ना इमरान आइडियल लग रहा है। इट शुड बी द बेसिक मिनिमम, एग्जैक्टली ये तो होना ही चाहिए। वो आदमी क्या कह रहा है, वो आदमी ये कह रहा है कि भाई प्रूफ नहीं है तो मत छापो, आपके पास कुछ वो है कोई ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल बोल रहा है तब आप खबर छापिए, आप पता कीजिए क्या हुआ है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को पुश कर रहा है और बोल रहा है गलत बात नहीं करनी। अगर एक आदमी को बोला गया है कि फलाना फलाना हो सकता है ये आदमी उसमें इन्वॉल्व हो, तो आप पहले से उसको जो है गिल्टी मत मान लीजिए, आप जो है वेट कीजिए, जब कोर्ट बोलेगा तब आप उसको बोलिए ना कि भाई ये आदमी उसमें इन्वॉल्व था, आप मीडिया ट्रायल मत कीजिए। ये तो मेरा मानना है बेसिक होना चाहिए, पर प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये आइडियल लगने लगा है। आई थिंक यहीं से दूसरा जवाब शुरू हो जाता है कि इसी से पता लगता है कि हमारे जर्नलिज्म की हालत कितनी ख़राब हो गई है, कि एक आदमी सिर्फ ये बोल रहा है कि यार जो सच है ना हम वो बोलेंगे, आदमी कह रहा है कितना कमाल आदमी है यार, आइडियल है भाई, नहीं ये काम है, ये बेसिक मिनिमम होना चाहिए था। तो जर्नलिज्म की हालत तो यार देखो पता ही थी, ऐसा तो है नहीं कि कोई रेवलेशन स्क्रिप्ट पढ़ के हुआ कि अरे ऐसा हो गया क्या, आई थिंक पता ही था और वो एक एक्साइटिंग पार्ट था इस स्क्रिप्ट का हिस्सा बनने के पीछे। जब अंचल सर ने बताया तो वो तो ऐसे ही वाला बुलाते हैं ना, वो तो पुराना रिश्ता है, तो बोले यार एक वो बना रहा हूँ शो नेटफ्लिक्स के लिए, उसमें एक एडिटर का रोल है, कर ले कर लेते हैं, इतने तौर पर ये हाँ हुआ था। देन उसके बाद उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी कि एक बार स्क्रिप्ट पढ़ ले और फिर बात करेंगे, एक बार ना कुछ ट्राई किया तू देख पढ़ के देख, तो मैंने पढ़ी स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट पढ़ के फिर आपको समझ में आया कि यार एक्चुअली कहानी जो है वो, चाहे उस तौर पे कहानी जो है वो चलती है जागृति पाठक की, पर उसके थ्रू शो क्या कह रहा है अगर आप उसके बारे में बात करेंगे तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, शो इज एक्चुअली अबाउट जर्नलिज्म, इट इज़ नॉट अबाउट वन पर्सन स्टोरी। वो कई लोग उसको वैसा वाला बना के, मेरा मानना है कि या तो अकल नहीं है काफी लोग, हल्का हो जाता है इतना बड़ा, वो आप उसको हल्का कर दे रहे हैं एकदम से कि अरे यार वो एक उसकी कहानी, उसकी कहानी है, मतलब कहानी उसी की है, बट उसके थ्रू जो मृणमयी और हंसल की, मतलब मैं बोलता हूँ ग्रेटनेस है या इस स्क्रिप्ट के पीछे, वो ये है कि कितनी बड़ी बात, कितनी इंपॉर्टेंट बात बहुत अच्छे तरीके से बिना चिल्लाए जो है वो कम्युनिकेट किया। तो हाँ, मतलब जर्नलिज्म की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसीलिए हमने शो बनाया एंड वी आर रियली ग्लैड कि आप लोगों तक पहुँची ये बात। जी, मीडिया से ही मैं, आपकी जो फ्रेटर्निटी है फिल्म फ्रेटर्निटी, काफ़ी ज़्यादा हमले मीडिया की तरफ से होते रहे हैं उस पर, और अभी रिसेंटली हुआ ये है कि, मैं सिर्फ मीडिया के हमले नहीं कह रहा हूँ, जो बॉयकॉट का ट्रेंड है कि बॉलीवुड को ख़त्म कर दो और ये जो है देश विरोधी काम कर रहे हैं, चाहे वो लाल सिंह चड्ढा हो और चाहे वो अब आके आदि पुरुष हो, तो आदि पुरुष ने वहां क्या गलती हो गई उनसे, क्योंकि लाल सिंह चड्ढा तो एक वर्ग के लोग बना रहे थे ना, हाँ मुसलमान लोग हैं या वो लोग हैं जो कि कहते हैं कि उनको, हमको जो पंगा वही है कि यार उसमें तो सिर्फ आमिर का नाम जो है वो मुसलमान है, पंगा ये है कि उसके नाम के आगे खान लगा है उनके बेचारे के, तो इस वजह से आप एक अलग जोन में जाते हैं। तो आई थिंक एक तो यार रबिश बात है, ठीक है, ये जो है ना पूरा बॉयकॉट का बात क्या है, आपको ना विलन्स दिए जा रहे हैं बार बार ना नए नए कि यार इससे बोर हो रहे हो, कोई नहीं हम तुम्हें नया देते हैं, हम तुम्हें एक और देते हैं, हम तुम्हें एक और देते हैं, ऑडियंस को बिजी रखा जा रहा है, क्योंकि मैं ऑडियंस ही बोलूँगा, मैं जनता नहीं बोलूँगा, क्योंकि सबको जो है कंज्यूमर बना दिया गया है और सब जो है सिर्फ मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, जो न्यूज़ चैनल से या अखबार पढ़ के नहीं कर रहे हैं वो लोग सोशल मीडिया से कर रहे हैं, बट एवरी वन इज़ कंज्यूमिंग न्यूज़ और उससे ही सब अपने सोच बना रहे हैं। बात यह है कि यार आप ये समझिए कि ये ना आप ही का हिस्सा था, बॉलीवुड जो है वो आप ही का हिस्सा, इसी समाज से आए ना, ऐसा थोड़ी है कि कहीं मार्स से जो है कोई स्पेसशिप आया था जहाँ पे और बॉम्बे में आके उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री शुरू करी, यहीं इसी समाज से उठ के लोग गए हैं। मैं यहाँ ओखला में घूमने वाला लड़का, मैं ही काम कर रहा हूँ ना वहाँ पे, सब इसी उससे आते हैं। आपको ना आपके साथ वाले आदमी से ही लड़ा दिया जा रहा है, एक तो ये मतलब मेजर तौर पर तो ना, मतलब इसलिए इतनी बेवकूफ़ी की चीज़ है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं मुझे और ज़्यादा ना उन पर तरस आता है कि यार आप ना अपने साथ गलत कर रहे हो, आप किसी और के साथ गलत नहीं कर रहे,
ठीक है उनके आप बिजनेस को हिट कर रहे हो फलाना ढिमकाना, फाइनेंसिस वो होते हैं, आप ये नहीं समझ रहे कि वो जो फाइनेंस है, आपने बोल दिया आमिर खान की फिल्म को बॉयकॉट करो, फलाने की शाहरुख खान की फिल्म को बॉयकॉट करो या किसी की भी, प्रॉब्लम ये है आपको ये, आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं इनके फेसिस से और इन लोगों से। हाँ। आप बोल रहे हो नहीं आमिर खान के साथ हमने पता क्या कर दिया, आमिर खान के साथ आपने, ठीक है उनको नुकसान हुआ, परेशान हुए होंगे आई एम श्योर, मतलब एक क्रिएटिव आदमी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं दैट इज डेफिनेटली देयर। प्रॉब्लम इज के यार उस क्रू में 450-500 लोग रहे होंगे कम से कम, ज़्यादा बल्कि ज़्यादा रहे होंगे बड़ी फिल्म्स, वो 500 लोग जो हैं वो हर धर्म हर प्रांत हर तबके हर उससे आते हैं, आप उनको भी हिट करते हो। आप एक ऐसी फिल्म अगर ख़राब होती है तो आप अपने पड़ोसी का घर जला रहे हो, पंगा ये है कि इसमें प्लेजर आने लगा है लोगों को। हाँ। उनको मज़ा आता है उनको, बल्कि ये अच्छा लगता है मेरा पड़ोसी का घर जल गया मेरा नहीं जला। वो कहानी है ना वो बड़ी प्यारी सी, मैं वो करके बात खत्म करूँगा कि वो बड़ी अच्छी कहानी है कि एक आदमी ना ऊपर वाले से उसने जो है तपस्या की, उसको बोला मुझे वरदान दो। हाँ। तो ऊपर वाले आए, उन्होंने बोला हाँ भाई बताओ क्या वरदान चाहिए, तो बोले मुझे वरदान चाहिए कि मैं जब जो चाहूँ मुझे वो मिल जाए। तो मैं बोला अरे तो बड़ा ट्रिकी वरदान है, तो ऐसा है कि जब वरदान मांगूँ मिल जाए, उन्होंने कहा ये मुझे यही चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है मैं देता हूँ एक कंडीशन के साथ। मैं बोला हाँ जी बोलिए। उसने बोला कि जो तुम्हें मिलेगा तुम्हारे पड़ोसी को उसका दुगना मिल जाएगा। ठीक है। उसने बोला हाँ ठीक है मुझे क्या परेशानी, मुझे तो अपनी ज़िंदगी अब संवारनी थी ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उसने बोला यार मुझे बंगला चाहिए, बंगला आ गया पर बगल वाले का दो बंगले आ गए या बड़ा उसका दुगने साइज़ का बंगला आ गया। उसने बोला मुझे फलानी गाड़ी चाहिए, उसके पास दो गाड़ियाँ आ गई। उसने बोला मुझे ये चाहिए, वो जो मांग रहा है उधर आता जा रहा है। एंड उस आदमी को समझ में आया कि भाई इट वॉज नेवर अबाउट कि मेरे पास क्या है, इट वॉज अबाउट कि मेरे पास क्या दूसरे से ज़्यादा है। नहीं, उस आदमी ने इवेंचुअली जाके आखिरी अपना वरदान मांगा कि मेरी एक आँख फोड़ दो ताकि दूसरा अंधा हो जाए। बेसिकली हम इस ट्रैप में फंसे हुए हैं और यही हम करने में लगे हुए हैं, तो हम ये बॉलीवुड के बारे में बात करके ये करते हैं। जहाँ तक आदि पुरुष की बात है भाई, बहुत ऑनेस्टली मतलब कई लोग ये समझ रहे हैं बीच में कि मैं अवॉइड कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, पर मुझे डिटेल में कॉन्ट्रोवर्सी पता ही नहीं है। मतलब मुझे ये मालूम है कि कुछ डायलॉग्स को लेके इशू हुआ था, बिकॉज वो हल्का सा मैंने पढ़ा उस टाइम पे। देखो बहुत ऑनेस्ट बात, उस टाइम पे स्कूप अपने उरूज पे था, उरूज पे बिल्कुल ही, तो मैं उनके फ़ोन कॉल्स और उसके सोशल मीडिया को समझने और पढ़ने में इतना बिजी था, मैंने स्कूप अभी तक नहीं देखा है। क्या बात करूँ, सक्सेस पार्टी हो गई है, सक्सेस पार्टी हो गई। देखो मेरे बिना करिए कैसी कैसी बात है, मैंने इनसे बोला कि एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ उसी में रखिए, तो मैं जाके इन लोगों को बताऊंगा। तो हाँ, तो एक सक्सेस पार्टी हो गई, मतलब इतना वो था। मैंने स्कूप अभी तक नहीं देखा है, मैंने पिछले 1.5 महीने में कुछ नहीं देखा है, तो आदि पुरुष देख के कुछ मैं उस पर ओपिनियन उस तरह बना पाऊँ तो नहीं है। बाकी यार देखो शोर मचाने वाला ये ना, मैं उसका सिर्फ इतना बोलूंगा कि इससे हमें सीखना क्या चाहिए कंट्रोवर्सी के बारे में, मैं क्योंकि नहीं जानता तो नहीं बोलूंगा, कि समझ में ये आता है कि यार देखो आपने एक डेविल खड़ा किया था, वही वो डेविल जो है वो आज के डेट में आपको भी खाने आ रहा है। ये जो है ना ये वैसा जंगली जानवर है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको लग रहा था कि उसकी लीश आपके हाथ में है, आई एम रियली सॉरी, आई एम फीलिंग बैड फॉर देम टू एन एक्सटेंट, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा मुझे वो है, लेकिन ये आपका खुद का खड़ा किया हुआ वो था डेविल और उसने आपको अटैक किया है। जोरम कर रहे हैं आप देवाशीष मखीजा के साथ, की है मतलब, और मनोज वाजपेयी के साथ, दोनों के साथ पहला काम है? दोनों के साथ पहला काम है मेरा। क्या है कहानी जोरम की? कहानी नहीं मतलब, लेकिन क्या सिनॉप्सिस क्या है? ये सिनॉप्सिस के तौर पे ना, मतलब वही कहानी, मतलब अगर प्लॉट बताऊं तो मेरा आइडिया उसमें बड़ा है, फिर मैं वो बताता हूँ। कहानी तो उस तरह से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक आदमी है जो मनोज सर जो कैरेक्टर कर रहे हैं दसरू का, और उसमें उनकी एक छोटी बच्ची है जिसका नाम जोरम है। तो वहाँ पर कुछ ऐसी घटना होती है, वो शहर में आके लेबर का काम कर रहे हैं, आदिवासी हैं असल में। हाँ। पर जो हमारे यहाँ होता है कि उनको ले आया जाता है यहाँ पे, क्योंकि उनकी ज़मीन चली गई होती है एंड व्हाटएवर, तो लेबर का काम करते हैं। कुछ घटना होती है और ये एक केस में फंसते हैं, इनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है और अटैक भी कर रहे हैं लोग इनको, वो सब भी हो रहा है, तो वो अपनी बेटी को लेकर भागते हैं। सो ही इज़ ऑन द रन। और फिर मेरा कैरेक्टर रत्नाकर नाम है मेरे कैरेक्टर का, वो पुलिस में है, उसके अपने पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं एंड एवरीथिंग, एंड देन उसको काम दिया जाता है कि भाई तुम पकड़ के लाओ, क्योंकि जो है उसको बोल दिया गया है कि ये तो शायद वहाँ से आया है, तो फलाना होगा ढिमकाना होगा, उसके ऊपर फालतू के वो लगा दिए गए, तो उसको भेजा गया है। एंड देन नाउ दिस इज़ अबाउट दिस जर्नी, एक्चुअली दिस चेज, उसी के बारे में जोरम पूरी चलती है कहानी। एंड देन उसके बीच में क्या क्या देवशीष की
जहाँ पे बात आती है, मतलब जहाँ पे उसका ब्रिलियंस आता है, कि उसके बीच में जिस तरह से उसने अपनी बात स्मगल की है, उसमें मुझे मेरे कैरेक्टर को बहुत कुछ रियलाइज होता है जब वो वहाँ पहुँचता है और वो सच में क्या हो रहा है कि सिचुएशंस देखता है। तो दो, वो शहर में रह के खुद एक थोड़ा पीड़ित वर्ग से आता है, लेकिन उसे लग रहा था कि यार मैं बड़े परेशान हूँ, लेकिन जब वो नीचे पहुँचता है असल में और रूट्स में, उसको समझ में आता है कि नहीं यार, मैं शायद प्रिविलेज था और ज़्यादा बुरी हालत है। आप जितना अंदर घुसते जाते हो उतना ख़राब हाल है, और बहुत खूबसूरत तौर पर देवाशीष ने उसको रखा है। तो दैट इज़ द आइडिया, पर और ज़्यादा बताऊँगा फिर फिल्म जब आएगी तो मज़ा आएगा। जब आप जीरो जैसी फिल्म करते हैं या ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, मतलब ऐसी बड़ी बजट की फिल्में जो जिसमें बड़े स्टार कास्ट है और बहुत सारे लोग हैं, नहीं चलती है, नहीं चली फिल्म, आप मानते हैं या नहीं मानते मुझे नहीं पता, खराब फिल्में थी, कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। मतलब नहीं चली, चलिए ठीक है, खराब छोड़, नहीं चली, नहीं नहीं यार क्यों, आपको जो अभी ये फिल्टर करके बोलने की बात, खराब फिल्में थी, घटिया फिल्में थी, तो नहीं करते हुए इंस्टिंक्ट आ जाता है बीच में कि यार ये नहीं चलने वाली है, कि इसमें ये चीज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये लगे कि नहीं मुझे भरोसा ही नहीं है स्टोरी पे, तब तो आप कोई मेरे ख्याल से नहीं, तो आगे साइन ही नहीं करता, आप साइन ही नहीं करेंगे, लेकिन इंस्टिंक्ट बीच में करते हुए आ जाता है प्रोसेस के दौरान कि यार हो सकता है ना चले, या हो सकता है ये ठीक तरह से नहीं बन रही है। तो वो जो रिमेनिंग दिन है शूट के, वो फिर कैसे होते हैं? चलेगा या नहीं चलेगा का ना कुछ गारंटी होती नहीं, पहली बात तो ये, क्योंकि आपको ना ये नहीं पता होता चलेगा क्या। अगर ये किसी को भी पता लग जाए दुनिया में तो सारी फिल्में हिट हों, तो चलेगा क्या तो यू नेवर नो। बट हाँ, कुछ चीज़ आपने जैसे सोची थी उस तरह नहीं हो रही, तो आपको समझ में आता है कि यार पता नहीं वो बन रहा है या नहीं। हाँ, वही बन रहा है, मतलब यू गेट लॉस्ट, पैसा कमाएगी कि नहीं। पर प्रॉब्लम क्या होती है, मैं आपको बताऊं सत्य, इतनी बड़ी फिल्म का ना, एक मुझे जो लगी दिक्कत मेरे लिए, यार इतना ज्यादा खींच के शूट होता है ना कि ना पर्सपेक्टिव आपका खो जाता है। दो साल तक आप जो है वो बीच बीच में, आज आधा ही सीन हुआ, कल आधा सीन होगा, तो एक पॉइंट के बाद ना आप बोलते हो भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा, अब मैं ना और बुद्धि नहीं लगा सकता, क्या हुआ, हमने डेढ़ दिन में एक सीन शूट किया है, उसमें कुछ रस निकला नहीं निकला, वो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, इट इज ऑल अबाउट, मेरा मानना है सीन में वो फ्लो बना, ऑडियंस को कनेक्ट मिला या नहीं मिला, इट इज ऑल अबाउट दैट मेरे हिसाब से, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो वो आपको समझ में नहीं आता, आता है बीच बीच में, आते हैं ये वाले इंस्टिंक्ट के यार ऑफ जा रहा है, ऑफ जा रहा है, नहीं बैठ गया, बैठ गया, और मेरे साथ तो काफी ज्यादा होता है, और उसके बाद दिन होते हैं भारी, फिर एक्चुअली वो बन जाती है आपकी जॉब। मतलब जिस तरह से मैं उसको देखता हूँ कि भाई इन्होंने जितना पैसे का मुझसे वादा किया है, मुझे वो पैसा देंगे ये, मैंने हाँ बोला है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मेरा काम ऐसा नहीं है कि मैं मतलब मैं एग्जैक्टली इन दो फिल्मों की बात नहीं कर रहा, मैं इसमें अब एक अपना टोटल एक्सपीरियंस मिला दे रहा हूँ, कि क्योंकि इसमें मेरे रिलेशन बहुत अच्छे थे, विक्टर मेरा बहुत अच्छे दोस्त है, आनंद के साथ तो इतना पुराना रिलेशन है, हिमांशु तो कॉलेज का दोस्त है, तो वो अलग हो जाता है, ऑब्वियसली शाहरुख सर, आमिर, तो मज़ा बहुत आया हमें इसमें। पर अगर मैं मोटे तौर पर बोलूँ, देर हैव बिन अ फ्यू फिल्म्स, मैं जिनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो फिर सबके अपने होते हैं, तो वो ना फिर आपको ये करना पड़ता है कि भाई ये मेरी जॉब है, मेरा काम ऐसा नहीं है, मैं डीओपी नहीं हूँ, मतलब डीओपी तो फिर भी नहीं करते, पर ऐसा हुआ हुआ है कई फिल्मों में कि डीओपी छोड़ के चले गए। वो बदल सकता है, कैमरे के पीछे का कोई भी आदमी बदल सकता है, डायरेक्टर्स बदले हुए हैं चीज़ों में, शोज में और फिल्मों में और कहाँ कहाँ चलते हैं उसमें, कि भाई 15 दिन एक डायरेक्टर ने शूट किया था, प्रोड्यूसर को लगा कि यार ये वर्क नहीं कर रहा, उस डायरेक्टर को हटा के, जानते हैं कैसी फिल्म के बारे में आपने की भी, तो डायरेक्टर्स बदल जाते हैं, एक्टर के अलावा ना कोई भी बदल सकता है। एक्टर पहले 2 दिन में, फिर भी मैंने देखा हुआ है एक दो बार के एक्टर भी बदले हैं कि आपने करा, लेकिन जिसमें कॉल वो डायरेक्टर का होता है, वो बोलता है यार नहीं बैठ रहा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मेरा सीन नहीं बैठ रहा, लेट्स कॉल सम अदर एक्टर, तो वो हो जाता है। लेकिन भाई हमारे लिए है कि अच्छा मैंने हाँ बोल दिया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, आई एम बाउंड टू डू दिस, चलिए सर बताइए। तो फिर क्या होता है, आपका एटीट्यूड क्या हो जाता है, विच आई जस्ट हेट एज एन एक्टर, कि आप सेट पे पहुंचते हो और आप सीधे कि जी क्या करना है। मैं स्क्रिप्ट रात को मैंने पढ़ी नहीं, आपने मुझे साइट्स भेजी, मैंने पढ़ी नहीं रात, क्यों, क्योंकि मेरा अब इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि भाई सब कुछ बर्बाद हो रहा है, मैं क्या करूँ। ठीक है भाई, मैं सुबह सुबह आया, ऐसा तो है नहीं कि याददाश्त को कोई पंगा है,
एक बार आप देखेंगे, एक बार उस आदमी के साथ रीड करेंगे, आपको याद हो जाएगा सीन, याद हो गया हाँ जी कैसे करना है, नहीं इसको ना थोड़ा ऐसा रखेंगे, बिल्कुल जैसा आप बोले वैसा रखेंगे, क्योंकि अब मेरा दिन मैं काउंट कर रहा हूँ कि भाई ख़त्म हो रहा है, 50% शूट हो गया, मैनेजर को फ़ोन किया हाँ भाई सुनो इनवॉइस रेस कर दो, 50% शूट हो गया, कि अब जिस चीज़ के लिए कर रहा हूँ वो तो आए, पैसा तो आए टाइम पे, सो दिस इज़ हाउ वो दिन फिर ऐसे वाले बीतते हैं कि उसमें फिर मैं दोस्तों को बॉम्बे में लंबे लंबे दो दो घंटे के फ़ोन पर बातें हो रही हैं, मैं जनरली जब शूट चल रहा होता है और मुझे मज़ा आ रहा होता है तो मैं उस टाइम पे ना तो किताब पढ़ रहा होता हूँ ना मैं कुछ शो वो देख रहा होता हूँ, मैं उस टाइम पे आई जस्ट लाइक टू बी इन्वॉल्व इन व्हाट आई एम डूइंग, उसी दुनिया में रहने में, पर जब इस तरह से मेरा मूड ऑफ होता है तब फिर मैंने भाई सीरीज की सीरीज पे ली हुई है, मतलब बैठ के बेंज वॉच, क्यों ही नहीं वहाँ पे वैन में भी बैठा हुआ हूँ आराम से अपना देख रहा हूँ सर बुला लिया हाँ जी चलो पॉज किया गए हाँ क्या शॉट है शॉट दिया वापस आए, क्योंकि मेरा ध्यान अभी उधर है, मेरा आपके साथ ध्यान ही नहीं है, तो ये हो जाता है, दिस इज हाउ आई स्पेंड माय डेज। OTT के आने से बहुत ये बात कही जाती है, लिखी भी जाती है, तो काफ़ी साल हो गए कि रिप्रेजेंटेशन और मौके हर किसी को मिल रहे हैं और हर कोई आगे आ रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद फिल्मों में आगे नहीं आ सकते लेकिन OTT के जरिए आगे आ रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें आपको लगता है कि सच है और इतना ज़्यादा मौके इतनी आसानी से मिल पा रहे हैं और लोग मतलब अच्छे से आगे आ पा रहे हैं? यार ये ना बहुत बड़ा और बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मतलब मुझे ना वही लगता है कि लोग ना बहुत ब्लैक और वाइट चीज़ें करने के चक्कर में ना बहुत जल्दी, मतलब अब मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ क्योंकि मैंने भी इतनी बार ये वाला सुन लिया है ना कि ऐसा हो गया है, तो आई एम ग्लैड कि आपने इस तरह से सवाल पूछा, तो लोग ये बोलते हैं कि अरे OTT के आने से हो गया ना, सब बढ़िया हो गया, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, आई थिंक हमें ना समझना पड़ेगा कि हर चीज़ के ना प्रोज और कॉन्स होते हैं, डेफिनेटली OTT के आने से फ़ायदा है इसमें कोई शक की बात नहीं है, पर नुकसान भी है, हमें समझना पड़ेगा, आई थिंक इस सब के पीछे ना हमें समझना ज़रूरी है कि इट इज़ ऑल अबाउट बिजनेस, है ना, OTT का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है जो वो भी है, यहाँ पे ना कोई पता नहीं चलता आपको आपने क्या बनाया और कैसा बनाया, बहुत रेयर है कि आपको ना सही में कोई प्रॉपर फीडबैक आए, जो एक्ट्रेस के लिए बड़ा अच्छा भी होता है, तो उस तौर पे मैं लकी भी फील करता हूँ कि भाई अगर आपने गलती से कोई ख़राब शो का हिस्सा आप बन गए आदमी नहीं देखेगा, आप अपने लिए सोचिए, आप अगर बैठे हैं मान लीजिए आपने TV पे भी लगाया, आप TV पे लगाएंगे, आप बैठेंगे 15वें मिनट में यार बकवास शो है यार, उसी चैनल पे आपको कोई और शो मिल जाएगा जो आप देखने लग जाएंगे, आप उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर देंगे, यही आप जब फिल्म में जाते हैं तब अगर फिल्म अगर ख़राब निकलती है ना तो यू गिव अ रिस्पॉन्स, यू मेक श्योर कि आप घर जाएंगे, आप सोशल मीडिया पे बैठेंगे और आप वहाँ पे जाके बोलेंगे कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ, नॉट वर्थ, बहुत ख़राब है, फलाना है ढिमकाना है, और वो तो बहुत ही आपको एक गुस्सा आया है क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी के 3 घंटे निकाले थे उन लोगों के लिए और उन लोगों ने आपको डिसअपॉइंट किया इतना ज़्यादा, इसमें सिर्फ जिनको अच्छा लगेगा जो पूरा देख जाएंगे यानी उनको अच्छा लगा वो पूरा तभी देखे, वो आदमी उसका अगर मौका लगेगा अरे बहुत पसंद आया है तो वो सोशल मीडिया पे आपकी तारीफ कर देगा, तो बात ये होती है कि मेरे हिसाब से ना सोशल मीडिया इज़ नॉट द करेक्ट मेजर कि आपकी चीज़ को कितना पसंद किया गया है, वो आपको समझ में आता है सड़क पे जाके, पर ऐसे मैं अगर बोलूँ तो स्कूप के शुरुआत के दिन बहुत अच्छी बात, मतलब सब ग्रेट रिस्पॉन्स वी वर गेटिंग, मतलब चाहे क्रिटिक्स हों चाहे कोई भी हो, मुझे ज़्यादा समझ में आया है पिछले 4 दिन में, मैं जब दिल्ली आया हूँ और मैं गया हूँ अलग अलग जगह पे मॉल्स से लेके जहाँ, वहाँ पे आपको समझ में आता है कि नहीं भाई दिस शो हैज़ रीच्ड, लोगों ने देखा, क्योंकि अब लोग कोई एकाध दो हैं जो अरे सर रईस, अरे सर रांचना, अरे सर तनुवर्ड्स मनु रिटर्न्स, जो भी अपने सबके फेवरेट्स हैं, स्कूप 95% 98% बात जो है वो स्कूप की और लोग डिटेल में बातें कर रहे हैं, तो आपको ऐसे समझ में आता है, तो एक तो ये मोटे तौर पर अगर मैं आपको बताऊँ, क्योंकि ये इट इज़ अबाउट बिजनेस, वो लोग पीछे से खड़े होकर अपने बात कर रहे हैं, यार हमें ना हम आइडल वर्शिप का देश है, हमें ना ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है, हमें ना बहुत पसंद आता है बड़ा बनाने में, लोग बोल रहे हैं स्टार सिस्टम टूट गया, नहीं नए स्टार्स बन गए, स्टार सिस्टम बन गए, सही में बन रहे हैं नए स्टार्स, बन रहे हैं तक बन रहे हैं, अब जो है स्टार बनेंगे, अब मैं कह रहा हूँ कि जिसका एक हिस्सा मैं भी हूँ एक लेवल पर, मुझे जिस तरह का काम OTT में मिल रहा है मुझे उस तरह का काम फिल्म्स में नहीं मिल रहा था, लोग लीड देने में शर्मा रहे थे, लोग जो हैं वो कि यार लंबा रोल दे देंगे पर साइड में रखो इसे, मेन नहीं, इसके ऊपर कहानी नहीं हम बेस कर सकते, पूरा ट्रैक इसके ऊपर बेस नहीं कर सकते, एक वो था,
OTT ने मुझे वो एडवांटेज दिए, OTT में लोगों को ट्रस्ट आया, उन लोगों ने दिया बिकॉज फिल्म से भी आ रहा था जो भी रीज़न है, और तो मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला है, तो OTT के कोट अनकोट स्टार के तौर पे मैं अपना भी नाम ले सकता हूँ। दोस्त के तौर पे मैं बोलूँगा जैसे जयदीप है, जयदीप गॉट हिज वर्थ फाइनली बिकॉज ऑफ OTT, उसको दे ही नहीं रहे थे, मतलब इतना कमाल एक्टर है मैं कब से जानता हूँ उसे, उसको नहीं मिल रहा था। विजय का काफ़ी जो है एक राइज का बड़ा रीज़न, मतलब गली बॉय आ गई थी, उससे पहले भी उसने अच्छा काम किया हुआ है, पर उसको OTT से वो पुश मिलता है से लेके, और इतने सारे लोग हैं यार आज की डेट में, मतलब नाम अगर मैं बोलूँ आपको स्टार्स के तौर पे, प्रतीक है आपका, जीतू है आपके, कई इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, मतलब मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंडियन वो कंज्यूम नहीं करता, बट यू नो लोग बताते रहते हैं कि अरे यार, अरे तू पागल है यार, तुझे पता नहीं है इस टाइम पे स्टार है वो बंदा। स्टार की वैल्यू क्या होती है, मतलब कैसे समझ में आता है मैं क्यों बोल रहा हूँ स्टार बनते हैं, जैसे ही आपको कॉर्पोरेट हाउस अच्छा पैसा देने लग जाए उससे समझ में आता है कि यानी कि आदमी स्टार, क्योंकि वो लोग अपनी रिसर्च टीम और सारी दुनियादारी कर कर आके देन नो के भाई इस आदमी को इतना पैसा देंगे क्योंकि वर्थ है, इतने लोगों तक पहुंचेगी इसकी शक्ल, इसकी बातें, तो स्टार हमने उसमें बना दिए। मे बी फिल्म के स्टार उस तरह से नहीं हो रहे, और अगर ये स्टार सिस्टम नहीं बना रहा होता तो आप मुझे बताइए कोई इतना पैसा दे के क्यों फिल्म के बड़े एक्टर्स के साथ शो बना रहा होता, क्यों वरुण धवन या अजय देवगन सर या अभी आदित्य रॉय कपूर का हुआ, राज अभी राज का शो आने वाला है से लेके, मतलब भरे पड़े, मैं अभी क्या नाम लेकर शुरू करूंगा, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर ऑन OTT नाउ, क्योंकि यहाँ पे भी है और लोग, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये लोग इसलिए आ रहे हैं, कॉर्पोरेट हाउस उनको इसलिए बुला रहा है क्योंकि उनको पता है कि स्टार वैल्यू अभी भी इंपॉर्टेंट है इंडिया में और वो हमेशा रहेगी, आप उसे नहीं तोड़ सकते, आप कितनी भी बात करो। लोग बोलते हैं कि अरे सोशल मीडिया ने तोड़ दिया, नहीं तोड़ा, सोशल मीडिया के स्टार्स हैं ना जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, नए स्टार्स हैं, हम कभी तोड़ेंगे नहीं। अब बात यह है कि वहीं पर किसी के 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं वो स्टार है, वहीं पर कोई और आदमी हो सकता है सेम तरह का कॉन्टेंट बना रहा हो उसके 50,000 फॉलोअर्स हो, तो स्टार तो हमने बना दिया ना, और उसका वो बढ़ता जाएगा, इस ये बंदा 4 महीने बाद 80 पे आ जाएगा, वो जो है वो 10 मिलियन पे चले जाएंगे, तो वहां 20 लाख का फर्क पड़ रहा है, यहाँ पे 30,000 का फर्क पड़ रहा है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो आई थिंक वो जैसे वो फॉर्मूला तोड़ने की भी लोग बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो मुझे याद है क्योंकि मैं तो उसका हिस्सा रहा हूँ, वो सडनली लोग बोले कि अब क्या लगता है आपको, मुझसे पूछते थे 13-14 में कि अब सिनेमा बदल गया है, फॉर्मूला तोड़ के लोग ऑफेंड भी हुए, मैंने बोल दिया, मैंने कहा नहीं, नया फार्मूला बन गया है, और जिसका मैं हिस्सा खुद था कि भाई क्या होगा, एक उत्तर प्रदेश का लड़का होगा जिसको जो है ज़िंदगी में कुछ करना नहीं होगा, निठल्ला सा होगा, एक लड़की होगी जो इनके हिसाब से हमारी इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि उनके हिसाब से एक फ्री लड़की का इमेज सिर्फ इतनी होती है कि वो शराब पीती है और बुलेट चला लेती है और सिगरेट पीती है छुपके और कभी माल फूंकती है, तो वो बड़ी लिबरल लड़की बनाई है हमने, तो वो खैर उन लोगों के अपने जो सबके अपने खैर छोड़ो, तो एक वो ऐसी लड़की होगी, हीरो का एक दोस्त होगा जिसका ह्यूमर उससे बेटर होगा, जो उसको बीच में बोलता होगा कि तुम फंसोगे लड़की के चक्कर में, मर जाओगे, जो मैंने खूब किया है। एक लड़की की एक दोस्त होगी जो उसको समझाएगी कि नहीं असल में प्यार क्या होता है और तू कैसे एक अपने प्यार को ठुकरा रही है। इनके सब दोनों के माँ बाप होंगे जिनकी चिंता जिंदगी में सिर्फ ये होगी कि इनकी शादी हो जाए किसी तरह, एंड उसके अराउंड कोई एक कैरेक्टर और कर देंगे जिसमें उस लड़की का किसी से अफेयर चल रहा है। एंड अगर आप देखें तो मैंने आपको अभी कम से कम 10 से 12 सुपर हिट फिल्मों के मैंने आपको कैरेक्टर्स गिनवा दिए, तो यानी कि दैट वाज आल्सो अ फॉर्मूला, नया फॉर्मूला था, तो लोगों को लगा सिनेमा चेंज हो गया, नहीं सिनेमा चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला नया आया था OTT के आने से। अभी हर आदमी चोर पुलिस की कहानी बना रहा है, जिससे देखो हर अगला वो, मैं तो बीच में मजाक भी कर रहा था, मैंने कहा यार मैं सोच रहा हूँ एक ना पुलिस की वर्दी खुद सिलवा के रख लेता हूँ, इतने पुलिस के मुझे वो आए हैं, मैंने कहा सिलवा के रख लेता हूँ, आप उसके स्टार्स और वो चेंज कर दिया करना, बाकी हम कर लेंगे। तो आई थिंक हम लोगों का ना एक वो पैटर्न की हमें आदत है और हम ना घबरा जाते हैं अगर हमें कोई बोले ना कि नहीं कोई फार्मूला नहीं है, हम एज इंडस्ट्री आई थिंक और एज अ सोसाइटी इंडस्ट्री का हम घबरा जाते हैं, हमें लगता है नहीं यार ढूंढो 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 इसमें कुछ होगा, इसमें कहीं है कि हमें फार्मूला मिलेगा जो हम अप्लाई करेंगे और हो जाएगा। वी कन्फ्यूज आर्ट विद साइंस, हमें ना बड़ा वैसा चाहिए कि एग्जैक्ट ये होता है तो इससे कुछ घट जाता है, हम आर्ट को आर्ट की तरह नहीं देख पाते हैं उतने हम लोग अभी, क्योंकि एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है तो हम उतने ग्रो नहीं करें एज सोसाइटी, बट आई थिंक वी शुड। आपको हुआ है कभी ऐसा कि आपके ज़्यादा बोलने की वजह से पॉलिटिकली
किसी ने फिल्म से कहा हो कि नहीं भाई इसको तो नहीं ले सकते? बिल्कुल हुआ, हुआ है। मतलब देखिए जो लोग 2019 के बाद से कैसा माहौल रहा है, सीए प्रोटेस्ट के बाद और दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया? यार ऑनेस्टली शुरुआत में इतना नहीं था। आप देखो वो वाले तो जो लोग होते हैं वो तो हमेशा ही रहेंगे कि अरे यार ये ऐसा बोलता है, नहीं नहीं बोलता, हमने हमें नहीं काम करना, मुझे भी नहीं करना, तो वो वाला हो जाता है। 2021 के आसपास था तब जो है थोड़ा ये वाला हुआ था कि जिसने मुझे थोड़ा सा सरप्राइज किया था ऑनेस्टली, क्योंकि मैं ये मानता नहीं था कि हमारी इंडस्ट्री ऐसी है। क्या बात कर रहे हैं? 2-3 प्रोजेक्ट से हटाया गया। अच्छा। जो ऑलमोस्ट साइंड थे वो मेरे लिए शॉकिंग था ऑनेस्टली। 2021 की बात कर, उस दौरान क्या कर रहे थे आप? उस टाइम कुछ नहीं किया। फिर मैंने नहीं, क्या बोला आप, क्या बोल रहे थे आप ऐसा? नहीं उस टाइम पे तांडव रिलीज हुआ था तो उसके कंट्रोवर्सी वगैरह सब चल रही थी, तो उसके चक्कर में इतना डर गए कि मुझे 3 चलते प्रोजेक्ट्स, मतलब चलते इन द सेंस के शुरू नहीं हुआ था शूट, बट कि हाँ ये हो गया है, फलाना ढिमकाना मीटिंग है, तो एकदम से गायब। और एक ने तो बता ही दिया, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, पर अरे नहीं नहीं यार तुम्हारे उसके लिए बेहतरी के लिए हम चाहते हैं कि तुम ना हो, थोड़ा ये हो। मैंने कहा तो आई थिंक वो मेरे लिए थोड़ा एक शॉकिंग था, बट दैट गेव मी अ पर्सपेक्टिव ऑल्सो। मैं जो है उस टर्म को थोड़ा करप्ट कर दिया गया है, पर आपदा में अफसर वाली बात तो मैं थोड़ा निकाल लेता हूँ अपने लिए भी। तो हाँ, तो उसमें मेरे लिए मुझे एक अच्छा वक्त मिला ऑनेस्टली। मतलब उस टाइम मैं बहुत परेशान था, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं आई वाज एंजॉय, मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था कि यार क्या हो रहा है ये लाइफ में। 5-6 महीने ऐसे गए काम नहीं है, लेकिन उसमें मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार जब ये कभी भी हो सकता है कि किसी भी दिन को ये कर सकता है, तो आई विल डू एग्जैक्टली द काइंड ऑफ वर्क दैट आई वांट टू डू। तो मुझे ना और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कि मैं ना, एंड दैट वाज द रीज़न कि कई फिल्में मैंने कम पैसों पे हाँ बोली, जिसमें ये था कि नहीं यार मुझे मनोज वाजपेयी के साथ काम करना है, मुझे नवाज के साथ काम करना है, मुझे नाना पाटेकर के साथ काम करना है, मुझे फलाने के साथ काम करना, इस डायरेक्टर के साथ काम करना, मुझे मेघना मैम के साथ काम करना। देन यू आर लाइक कि नहीं यार मुझे ये करना था ना, मैं ये करूँगा, कोई बात नहीं, मैं अभी ना प्रोजेक्शन सोचूंगा, मैं कुछ नहीं सोच रहा, क्योंकि अगर इतना ही रैंडम है तो लेट मी मेक माई सेल्फ हैप्पी, मैं मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए पूरी तरह पर। तो वो लेकिन हाँ, जब वो पहला काम आया उसके बाद ही हाँ इतना मैं कॉन्फिडेंस से ये चीज़ें अप्लाई कर पाया। उस टाइम तो ऑब्वियसली हालत ख़राब थी। तो अब आपने क्या डिसाइड कर लिया है कि उस तरह के रोल जिसकी हम बात कर रहे थे, जो आपने शुरू में किए थे, फिर आपको टाइपकास्ट भी किया गया ना एक तरह से, वैसे रोल के आप नहीं करेंगे, आप वो आप नहीं चाहते करना? नहीं ऐसा नहीं है यार, देखो बात क्या है, अच्छा काम दो मैं बिल्कुल करूँगा, मैं क्यों नहीं करूँगा। आप मुझे एक इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट लेके आइए, मैं जो है, और बाइज्जत रोल दीजिए आप, मैं करूँगा। इसमें है आप, एकदम से याद आ गया, ये जो रांझना का मेरे ख्याल से स्पिन ऑफ आ रहा है? नहीं यार अभी हमारी कोई बात नहीं हुई। अच्छा। मैंने भी आप लोगों के साथ ही देखा। ओके। वो स्पिन ऑफ नहीं, पता नहीं क्या है वो, आई थिंक इट्स अ डिफरेंट फिल्म। शंकर नाम, हाँ शंकर नाम कैरेक्टर का, तेरे इश्क में ना, आई थिंक। हाँ हाँ ऐसे कुछ। तो वो तो मैंने मतलब रांझना के वो 10 साल पूरे होने वाले दिन जब कलर येलो ने डाला था, तो तभी मैंने भी वो टीजर देखा, तो मुझे तो कुछ मालूम नहीं उसके बारे में, हो सकता है आगे जाके करें, मुझे कुछ नहीं पता। क्या पता कुछ किया ना? हाँ, I don't know. तो हाँ नहीं, उसमें तो नहीं होगा। आपके घर में कौन कौन है, मतलब आपकी वाइफ रसिका के अलावा, आपके बच्चे? बॉम्बे में। हाँ बॉम्बे। एक मेरी बेटी है 8.5 साल की, राही नाम है उसका। बाकी एक हमारे पास जर्मन शेफर्ड है फीबी। okay. 2 बिल्लियां हैं हमारे पास, एक काली एक सफेद। क्या नाम है? काली वाली का नाम है हुरैरा, जो अरबी में बिल्ली जिसका मतलब होता है, तो हमने वैसी वाली हरकत करी है कि बेटी का नाम डॉटर रख दिया ये एक जोक है किसी आदमी पे, मैं नाम नहीं लेना चाहता पर हाँ, ये एक जो वो है हमारा जो सफ़ेद बिल्ला है उसका नाम है टोपी शुक्ला। टोपी शुक्ला, तो राही मासूम रजा के हम लोग बहुत बड़े फ़ैन हैं। क्या? और टोपी शुक्ला एक वो नॉवल है जिसने बहुत ज़्यादा हमें इंस्पायर किया है, मतलब बहुत बार पढ़ चुके हैं, और इसीलिए हमारी बेटी का नाम राही है। हाँ, क्योंकि हम इतने बड़े फैन है राही मासूम। एक दहाड़ सीरीज आई है अभी, आप विजय की बात कर रहे थे, उसमें सोहम शाह का करेक्टर है एक, वो मुझे नहीं पता आपने देखी या नहीं देखी। कोई करना कुछ नहीं देख रहा, एकदम सीरियसली बोला। हाँ जैसे बिल्कुल देखी हुई है, क्योंकि नहीं मैं समझ आ गया मेरे से दहाड़ की बात हो रही है, मैंने कह रहा यार ये सवाल आ ही रहे हैं, अब आप जुबली मत पूछिएगा,
आप वो कौन सा था, फर्जी मत पूछिएगा उनके, इनके बारे में लोग बात कर रहे हैं, भाई मैंने नहीं देखी यार, मैंने नहीं देखी. They missed it. बहुत अच्छा. और बेटर हो सकता था पर थोड़ा अपने आप को समझदार दिखाने के लिए. तो दहाड़ में सोहम शाह का कैरेक्टर है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो बार बार उससे कह रहा है, मतलब एक दो एपिसोड तो ऐसे निकाले उन्होंने, बार बार कह रहा है कि आप अबॉर्शन कर लो, कि नहीं मुझे बच्चा नहीं चाहिए, नहीं मुझे बच्चा नहीं चाहिए. फिर थोड़ी देर बाद खुलकर आता है वो, इसलिए कह रहा है कि यार तुम, क्राइम थ्रिलर है पूरा वो सीरीज जो है, तो वो कह रहा है कि यार तुम माहौल देख रही हो कैसा है, इस जमाने में बच्चा पैदा करूंगा मैं, उसका ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट है. तो अगर हम आज के माहौल की बात करें तो क्या आपको कभी लगता है कि आपकी जब बेटी आगे चल के कॉलेज में जाएंगे वो लोग, है ना, और नौकरी करेंगे, इस तरह का माहौल बन ही गया है ना पिछले 9-10 सालों में, एग्रेशन की जो आप बात कर रहे थे, हर तरह का एग्रेशन है, तो वो वाले थॉट्स आते हैं कि किस जमाने में बच्चे बड़े हो रहे हैं और उसमें हमारी कितनी जिम्मेदारी है? और यार डेफिनेटली आते हैं, मतलब आई थिंक जैसा आपने इंट्रोडक्शन के टाइम पे भी जो आपने बोला कि एक बहुत बड़ा रीज़न समाज के लिए बोलने का मेरा और मेरी वाइफ दोनों का हमारा ये है कि भाई बच्चा हमारा बड़ा हो रहा है और होपफुली हम उसको ऐसी परवरिश देंगे, ऐसी तरबियत देंगे कि वो हमसे बाद में पूछेगी कि यार जब ये सब चल रहा था, ये ख़त्म हो रहा था समाज, आप लोग क्या कर रहे थे? तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है आई थिंक, वो प्यार अपने बच्चे के लिए इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि हम लोग क्यों कुछ भी गलत देखते हैं तो उसको संभालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट टाइम्स में जिए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे हमारे टाइम पे भी, लेकिन इट हैज़ बिकम वर्स, मतलब हाथ से बाहर चला गया है. तो ऑब्वियसली वो एक टेंशन भी आती है, वो डर भी आता है दिमाग में. तो जो हिंदू राइट विंग है वो तो आपको गालियां देता ही है, उसके लिए तो आपको मतलब आपके सर पे उसका ताज तो लगा ही हुआ है. तो जो दूसरी साइड के लोग हैं जो कि इस्लामिक कट्टरपंथी कह लीजिए या जो वो वाले लोग हैं, वो आपको देते हैं गालियां? क्योंकि वो आपको मानते हैं कि नहीं ये तो मुसलमान है पूरा, आपको एक्सेप्ट किया उन लोगों ने या नहीं किया? सब जावेद अख्तर साहब ने एक बड़ी सही बात बोली थी, उनकी लाइन इसमें इस्तेमाल कर लेता हूँ कि भाई जब तक आपको, अगर मैं इन दो मेन धर्मों को लेकर अगर चले हैं, तो जब तक आपको दोनों एक्सट्रीमिस्ट गाली बक रहे हैं तब तक आप ठीक काम करो. ठीक. जिस दिन कोई एक बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा, यानी कि आप कहीं भटक गए, तो ये जावेद अख्तर साहब की लाइन है और ये मैं इस्तेमाल करूँगा. नहीं मुझे बिल्कुल पड़ती हैं गालियाँ. किन बातों पर पड़ती हैं अगर हम इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की बात करें? साहब देखिए पंगा क्या है, इन लोगों ने पढ़ा तो है नहीं. ठीक है, जैसे मैं एक जो है मुझे रिलीजन से, जैसे मैं वो वाला आदमी नहीं हूँ, कई लोगों को ना होता है कि रिलीजन से प्रॉब्लम है, मेरा साफ मानना है हिंदुस्तान खास तौर पे, हिंदुस्तान जैसा देश रिलीजन के बिना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा. होप देता है लोगों को रिलीजन, आप ना उसको नहीं छीन सकते. एक आदमी जो बिल्कुल ही गरीबी में रह रहा है, बहुत बुरी हालत में रह रहा है, आपके पास ऐसे कोई रिवोल्यूशनरी है नहीं कि आप उठ के कुछ उसका करवा दोगे, वो करवा के भी कहाँ लेके जाओगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं आती है. पॉइंट इज के उनको आज का दिन कट गया और मैं अपने घर वालों को खाना खिला दिया, सारा दिन अपनी कमर तोड़वा के और लोगों से पिट के और सब कर करा के, वो सिर्फ उसके दिल में यही होप है कि यार या तो मेरे पिछले जन्म के पाप कट जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छी बात है, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, लेकिन मोटे तौर पे मैं अगर बोलूँ आपको, और या फिर ऊपर जाके मुझे इसका ना वो मिल जाएगा, अजर मिल जाएगा कि भाई तूने बहुत दुख झेला, अब हम तुझे जन्नत में जगह दे रहे हैं. ये एटीट्यूड लोगों को ज़िंदा रख रहा है. आप मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूँ उस बात का. इंडिया में बात ये होती है कि पढ़ाई करी नहीं है रिलीजन के बारे में, ठीक है, ना हिंदू राइट विंग ने करी है ना मुस्लिम राइट विंग ने करी. आप अगर पढ़ाई करेंगे रिलीजन के बारे में, मेरा बहुत इंटरेस्ट है, मैं पढ़ता रहता हूँ, अगर आप पढ़ाई करेंगे, जो हरकतें जो बातें कर रहे हैं रबिश, इनको मालूम नहीं है. मैं आपको बताऊँ, जैसे उसका एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ कि हम सोच हमारी क्या होती है, हम कितने छोटे उसके एक वो आता है गेम क्विज का, क्विज आप या ऐसा कुछ नाम है उसका, है ना, तो उस पर आपको 20 कुछ सवाल आते हैं, आप उसको क्लिक करिए और उसका नंबर मिलते हैं और आप ऑनलाइन कंपटीशन होता है क्विज का, तो मैं खेलता रहता था टाइम पास में बीच में. तो मेरी हिंदू माइथोलॉजी पर बहुत अच्छी पढ़ाई है. अब वहाँ पर जो है वो कर रहे हैं हिंदू माइथोलॉजी वाला एक उनका वो है, उसमें आके मैं कम्पीट कर रहा हूँ, भाई साहब जैसे वो देखते थे मोहम्मद ज़ीशान ने हराया, फॉरन चैलेंज आता था, री चैलेंज,
और मैं फिर हरा रहा था। ये वैसे टू प्लेयर गेम होता था। हाँ, टू प्लेयर तो ऑनलाइन चल रहा है, वो फॉरन जो है रीमैच के लिए बोलेंगे कि उनको लग रहा है मुसलमान जो है ये हमसे कैसे जीत सकता है। दिस इज द प्रॉब्लम विद द सोसाइटी एंड सेम हैपेंस विद देम। अभी जैसे मैं एक देख रहा था, मैं अगर आपको बताऊं इस्लाम कट्टरपंथी में क्यों उनके साथ वो नहीं हो, एक किसी मौलाना ने कहीं पर डाला कि भाई पैर जो है काबे की तरफ नहीं करने चाहिए रात को सोने से पहले, एक ना ये एक बोला जाता है। अब बात यह है, उन्होंने बोला कि ऐसा थोड़ी है, जब मक्का में वो जाते थे प्रॉफिट मोहम्मद जब वहाँ बैठते होंगे हजरत, तो वो उस तरफ पैर करके ऐसे मुंह करके और पैर आगे करके बैठते थे, तो ऐसा कुछ कहीं पे लिखा नहीं है कि आप पैर नहीं कर सकते फलाना ढमकाना। उसके ऊपर ये रील में दिखा मुझे कहीं पे, रील में कुछ अच्छी चीज़ें भी दिख जाती हैं। बात यह है कि ये आदमी बोला, हाँ तो कोई इंटरेस्टिंग एक आदमी ने बात करी, तो बिना बात किया वो मत बनाइए, अंधविश्वास में मत जाइए। नीचे एक कमेंट वो आता ना, उस टॉप कमेंट जो होता है वो दिखने लगा है कुछ नया कुछ उन्होंने डाला, उसमें एक आदमी ने बोला कि नहीं इट इज ड्यू टू द रिस्पेक्ट वी हैव फॉर काबा, और वो मैक्सिमम लाइक वाला हुआ। ये पता लगता है, ये यहां से जहालत शुरू होती है। ये लोग हैं जो मुझे गाली बकते हैं एंड आई एम प्राउड कि ये लोग मुझे गाली बकते हैं, क्योंकि इनको कुछ नहीं पता। अब समझ रहे, ये जो है ना एक अंधा वो बना के कि अरे यार हम ना अपने रिलीजन को वो कर देंगे, और आप ना अपने आप को बांधते जा रहे हो। मतलब हिंदू राइट विंग के बारे में तो मतलब पता ही है और काफ़ी बातें बाहर आ जाती हैं। इस्लामिक राइट विंग के तौर पे अगर मैं बोलूँ ना, आपने भाई साहब एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया। पहला वर्ड जो आया था वो इकरा आया था, मैं अगर आपको रिलीजियस तौर पर भी बात करें उस पर काम किसको पढ़ा रहे हो आप? कुछ नहीं पढ़ा रहे, आपके लोगों को कुछ नहीं मालूम, सब जाहिल घूम रहे हैं सड़क पर। आपने उनको एजुकेशन की तरफ आपने पुश नहीं किया, जो कि आपके रिलीजन की प्राइमरी टीचिंग्स में से आती है। तो प्रॉब्लम यह है कि वो लोग ना अपने हिसाब से कुछ कुछ चीज़ें बनाते रहते हैं और अपने आप को छोटा 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 करते रहते हैं, अपने आप को बर्बाद करते रहते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपकी लड़ाइयाँ होती हैं, आपका अग्रेशन बढ़ता है, क्योंकि आपको मालूम कुछ नहीं है, आपको लग रहा है कि ये किसी ने बताया किसी ने नहीं बताया आपको। तो जब तक ये वाले लोग जो मैंने आपको बताए कि यानी हम रिस्पेक्ट की वजह से उस तरफ पैर नहीं करते, जब तक ये लोग मुझे गालियां बक रहे हैं तब तक वो इजावद अख्तर साहब वाली बात, तब तक यानी कि ठीक है। शायरी का तो शौक है ही आपको? पढ़ने का ही। हाँ, कौन है आपका गो टू शायर? मतलब ऐसा इंसान, ऐसा शायर जो कि यार सब कुछ जब कुछ नहीं चल रहा है इसके पास चले जाओ, ये है मतलब फेवरेट नहीं मैं कह रहा हूँ। हाँ, समझिए, वक्त वक्त में बदलता है बहुत। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही तरीके की चीज़ें चलती हैं। जैसे ट्रिप कई बार मेरी चलती है, मैं थोड़ा उस तरह का आदमी हूँ कि अभी चल रहा है तो भाई अभी गालिब चल रहा है, अभी गालिब पढ़े जाएंगे, डिक्शनरी उठा उठा के भाई क्या है वो तो आधे समझ में नहीं आते, आधे ज़्यादा 70% समझ में नहीं आता, ऊपर से निकलता है तो उठा उठा के पढ़ने का शौक वो आता है। आई थिंक फिर भी जो सबसे ज़्यादा मैंने रिविजिट करे हैं वो है फैज़ साहब, फैज़ अहमद फैज, क्योंकि आई थिंक वो एक उनकी जो जर्नी मुझे ना हर बार वो देखने में मजा आता है कि उनका जो शुरुआत के जो रोमांस और उसके बारे में लिखा हुआ है कंप्लीट है ना फैज। हाँ, मुझे भी मतलब फैज का मजा अलग आ जाता है। एंड देन वो जो सेंटर में वो खड़ा है ना, मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, आई थिंक मेरी भी जिंदगी ना उसी तरह से कि पहले आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था एंड देन आप वो पढ़ते हैं और आप बोलते हैं हाँ यार और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। कुछ सुनाना चाहते हो तो आप सुना सकते हो, मुझे याद है यार, मुझे ना याद नहीं रहता, मेरा ये एक मसला है। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगुं हो जाए, यू ना था फकत चाहा था यूं हो जाए, और भी दुख है जब जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। हाँ, तो मुझको तो ही लगता है कि फैज है पूरा, फैज है, कहीं से भी उठा लीजिए, पाश साहब है। हाँ, पाश दूसरा जो एक कवि जो अगेन वही वाली चीज, हाँ, के मल्टीपल रिविजिट्स के आपको एकदम से होता है यार पाश पे चलते हैं, पाश कभी भी पढ़ लो आपको अंदर से बहुत बेहतर महसूस कराता है। कभी जब बिल्कुल ही मौज काटने होते हैं नज़ीर साहब पढ़ने में बड़ा मजा आता है। नज़ीर साहब को वो जो एक है ना आम आदमी के लिए जो लिखा उन्होंने वो एक कमाल खूबसूरती है। नज़ीर साहब उस जनरेशन तक तो नहीं पहुंचे हैं जिसको जॉन एलिया पसंद है, पहुंचे हैं? जॉन एलिया साहब मैंने सुने हैं पर हाँ, मतलब मैं उस तरह उतना मुरीद नहीं बन पाया, मैं ज़्यादा मुरीद इन लोगों का हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है, नहीं नहीं जॉन एलिया साहब अच्छे, कुछ कुछ शेर तो बहुत ही मज़ेदार लगे,
तो ये हमारा एक सेगमेंट है, अंत में हम पांच सवाल आपसे पूछेंगे जी, दिस और दैट वाले सवाल हैं, आप मतलब ये या ये, उसमें से आपको, ऐसा नहीं है कि रैपिड फायर है, अगर आपको तफसील से किसी का जवाब देना है तो आप दे सकते हैं। अच्छा, हम ऐसे आप काटेंगे नहीं बिल्कुल, कि नहीं नहीं इतना ही बोलना, वो नहीं करेंगे। तो पहला सवाल है, सेक्सिस्ट कम्युनल इंसान बट ब्रिलियंट फिल्म मेकर, ये एक ऑप्शन है, या अच्छा इंसान लेकिन ठीक ठाक फिल्म, अच्छा इंसान ठीक ठाक फिल्म, एनी डे, जीरो तनुवेट्स मनु रिटर्न्स या स्कूप समीर। यार ये ना, ये डिफिकल्ट हुआ, मतलब क्यों, मैं वो भी बताऊंगा कि अगर आप वैसे बोले हैं तो मेरी पढ़ाई जो है मुझे स्कूप और समीर की तरफ लेके जाती है, पर देखो सच्ची बात ये है कि भाई ओखला का आदमी हूँ, और मेरा मुझे जो एक बस वो लगता है कि मुझे नहीं पता, हो सकता है होप कैसा हुआ हो, पर स्कूप जाकर नगर के कितने लोगों ने देखा होगा, सच बात। समीर जो है वो एक जे जे कॉलोनी के कितने लोगों तक पहुंची होगी, ये जो थॉट है ये मुझे लेके जाता है, जिसमें अगेन वही वाली बात है कि वी कैन हैव बेटर कॉन्टेंट मे बी, हम उसके अंदर कोई बात हो सकती है, बट वो लोगों से कम्युनिकेट करना, इट इज़ नॉट अबाउट फेम और के रिकग्निशन मिलता है आपको या नहीं मिलता, वो तो बड़ी अच्छी बातें हैं, वो मिलता रहता है, लेकिन पॉइंट इज कि आप क्या उतना पहुंच सकते हो, जो आदमी जिसको एक्चुअली आर्ट की ज़रूरत है, और हम अपनी बाकी आर्ट में जिनके बारे में बात कर रहे हैं, क्या उस आदमी तक आप पहुंचते हो, तो आई थिंक जीरो वो फिल्म होती है, या तनुवर्ट्स मनु रिटर्न्स में आप, या मैं बोलूँगा रईस ज़्यादा है, रईस हाँ, वो फिल्म होती है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, एंड नॉट ओनली मैं कह रहा हूँ लोअर क्लास, मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा, वर्किंग क्लास की मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा, इवन जो कॉरपोरेट लाइफ में फंसा हुआ आदमी है और बहुत ज़्यादा जूझ रहा है ज़िंदगी से, और पोस्ट में इतना ऊपर नहीं आया है कि आराम से बैठ के कि घर में शाम में नेटफ्लिक्स देखते हैं और हम घूमने जाते हैं इधर उधर, उन लोगों के लिए भी ना ये बड़ा ज़रूरी है। ऐसे मैं वो वाला आदमी हूँ कि मैं वो नहीं करना चाहता कि अरे यार हिमेश रेशमिया जो है वो हमें नहीं पसंद, यार लॉर्ड है हिमेश रेशमिया यार, क्या वही मैं कह रहा हूँ कि भाई मौज लगाने बनाता है भाई वो आदमी, और उसका वो जितना अंदर तक पेनिट्रेट कर रहा है ना, सॉरी टू से भाई आप नहीं कर सकते। अब वही वाली बात है कि मुझे क्यों जबरदस्ती पुश किया जाए ये चूज करने पे कि ए आर रहमान या हिमेश रेशमिया, नहीं दोनों मैं क्यों नहीं सुन सकता, मैं रहमान साहब को सुनता हूँ और मतलब सीखता हूँ सुन के कि यार आर्ट, अपनी आर्ट में आप कैसे कुछ इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, पर मुझे हिमेश रेशमिया के कॉम्पोजिशंस और उनके गाने सुन के मुझे मजा आता है, एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ दैट। कई लोग बोलते हैं कि अरे यार क्या, कि अरे यार तुम कुमार सानू सुनते हो, मैंने कहा भाई लेजेंड है कुमार सानू, मेरे सामने कुछ बोल मत देना, मैं मारूंगा कुमार सानू के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। सो आई थिंक ये सवाल ना थोड़ा उस जोन में जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा तफसील से बताया कि मुझे ये दोनों दुनिया चाहिए, मैं एक से सेटिस्फाइड नहीं। हाँ जी, तो दिल्ली एनएसडी के एमसी डेज या अभी मुंबई के जो दिन चल रहे हैं। ये भी बड़ा मुश्किल सवाल पूछा साहब आपने। केवल सर देख रहे होंगे, मैं बता रहा हूँ पहले। अरे केवल केवल को तो देख लेंगे बाबा, माफ करना मुझे, गुस्सा मत होना बाबा, दे हमारा तो मजाक चलता रहता है यार। डेज की अगर मैं सिर्फ उस तौर पे बात करूं, आई थिंक दिल्ली के एमसी एनएसडी डे, ऑनेस्टली नॉट एनएसडी डेज एज सच, ट्रेनिंग फॉर श्योर, ट्रेनिंग में बहुत मजा आया था मुझे, दिन में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा था एनएसडी में जो भी रहा, बट हाँ केएमसी प्लेयर्स का टाइम, वो तीन साल तो किसी भी चीज को सुपरसीड कर सकते हैं, वो कमाल तीन साल थे, तो आई थिंक दैट इज माय चॉइस। ये है कि एक आर्टिस्ट जो सिर्फ अपना काम करता रहे, या एक आर्टिस्ट जो कि सामाजिक मुद्दों पर भी ठीक ठाक वोकल रहे, ये अपनी चॉइस है। नहीं, मेरा साफ मानना है कि ऐसा ना कुछ होता है नहीं, आप मैं अगर इस देश में रह रहा हूँ ना, तो हम ना वो भूल जाते हैं कि सिर्फ राइट्स नहीं होते, ड्यूटीज भी होती है, एंड आई थिंक आपके यहाँ सामने कुछ गलत हो रहा है, उसके उसको ठीक करना, करने की कोशिश करना, मैं नहीं कह रहा हूँ आप ठीक कर सकते हैं, ये जो है आपकी ड्यूटी में आता है, ये मैं वही, ये आदमी तो जो है आर्टिस्ट जिसके आप बात कर रहे हैं, वो तो सड़क पे कचरा फेंकेगा, उसको समाज से कोई मतलब थोड़ी है, वो सड़क पे कचरा भी फेंकेगा, सड़क पे खड़ा होकर पेशाब भी करेगा, वो अपनी बीवी को मारेगा भी, वो सड़क पे कोई कमजोर आदमी दिखेगा उसे भी मारेगा, क्योंकि वो तो आर्ट कर रहा है, तो ऐसा मेरा मानना है ऐसा होता ही नहीं, ये
ऐसे कोई दो दिस और दैट है ही नहीं. आर्टिस्ट जो है अगर वो अच्छी आर्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसे कहीं ना कहीं सेंसिटिव होना पड़ेगा. चलिए पांचवा और आखिरी सवाल है, NewsClick या NewsClick? ये डिफिकल्ट है. मैं मजाक, ये डिफिकल्ट सवाल है साहब, ये मुश्किल होगा. नहीं मेरा पांचवा सवाल कुछ और है. पांचवा सवाल है, थिएटर या फिल्में और वेब सीरीज और कैमरे के सामने वाला काम किस तौर पे? ये मैं सुकून के तौर पे, पैसे के तौर पे नहीं, सुकून के तौर. एज एक्टर या कोई भी बोलेगा आपको थिएटर. एक्टर एक्टर पॉइंट इज के वो एक्टर्स का मीडियम है थिएटर. वहां पे आप लास्ट आदमी है जो पहुंचाते हैं और आपको तभी वहां रिस्पॉन्स मिलता है. एंड इट इज अ वेरी क्लियर कम्युनिकेशन देयर. फिल्म जो है वो मेरा वो नहीं है माध्यम. मैं करता हूँ, आई एंजॉय वर्किंग देयर, क्योंकि उसमें कई बार ना बहुत बारीक मोमेंट पकड़ में आ जाते हैं. उसका भी अपना एक फन है कि आप हर बार हो सकता है शो में वो बारीक मोमेंट ना मिले. कैमरा कई बार वो कैप्चर कर लेता है तो वो अमर हो गया, वो हमेशा के लिए वो मोमेंट कैप्चर हो चुका है. तो आई थिंक एज एन एक्टर आई वुड से थिएटर, बट हाँ आई एंजॉय फिल्म. चलिए जी बहुत शुक्रिया, हम खत्म करते हैं. साहब मैं मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब और हम NewsClick पे NC Hangout में सत्य से बातें कर रहे थे और बहुत मज़ा आया हमें तो. आई होप आप लोगों को भी आया. देखिएगा यार अगर मौका लगे, NewsClick देखते रहिए.